और आपका स्वागत है। आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं वो है एक वेब सीरीज का ट्रेलर जिसका टाइटल है कॉल मी बे। शुक्र मौसम सही बोलती है। और ये इसका जॉनर कॉमेडी ड्रामा है जिसको डायरेक्ट किया है कॉलिन ने, और आगे वाला नाम बहुत डिफिकल्ट है इसलिए सिर्फ मैं कॉलिन ही पढ़ रही हूँ। और इसकी प्रोडक्शन बात करें इसमें करण जो है, पूर्वा मेहता और सुमन मिश्रा, और इसके टोटल नंबर ऑफ एपिसोड्स हैं 8। और भाई इसी स्टारकास्ट की बात कर लेते हैं जिसमें है अनन्या पांडे है एज बेला बे चौधरी, साथ में वीरदास है और गुरफतेह पीरजादा है, वरुण सूद विहान है, मुस्कान जाफरी और निहारिका लीरा दत्ता है और लीसा मिश्रा है, लीसा मिश्रा होगा मेरे हाल में, और मिनी माथुर है। तो चलिए देखते हैं ये ट्रेलर लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को, उसके अलावा व्लॉग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हसल असली हसल असल साला मुंबई शहर अच्छे अच्छों को देता मसल। You can call me Bae. I was born with a golden spoon. Hey, Bella. Good morning, Rita. Good morning, Maya. Guten Morgen, Trixie. Guten Morgen, Bae. Meri family mein, there's no such thing as too much bling. I'm obsessed. 7 luxury cars, ek chopper, I'm obsessed. Aur ek fairy tale wedding. के सारे कार्ड्स डिक्लाइन हो गए हैं। आर यू सजेस्टिंग दैट आई एम मिडिल क्लास वुड बी एन अपग्रेड मैम? यू नीड टू स्टार्ट अफ्रेश। गुरु न्यू सिटी, कोई ऐसी जगह जहाँ तुम पेज 3 में नहीं आती? इसमें सीता नहीं रहते? लगता है शायद आप पहले कभी ऑटो में नहीं बैठे। रखी दिस वे White bed? I thought ये दुनिया से eradicate हो गया था, like polio. काली बिल्ली खड़ी बात को हाँ। मैं मुंबई में रहूँगी। तो क्या करोगी? Job? Yes, I will get a job. And unlike you, I'll do it without the family name. आँखों से ज़्यादा सड़कों पे सपने जान ले। क्या आपने कभी किसी न्यूज चैनल में काम किया? वैसे तो न्यूज चैनल हमारे लिए काम करते हैं, but I have studied journalism. That's social media journalism. What? Welcome to the confessional with Satyajit Sen. Yo, minion. क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? I'm now a journo. Go stand in for lighting, please. Why? Because I said so. इसे कौन साफ करेगा? कौन? तुम. क्या टोनी रही है? Penthouse suite से service entrance. Stress less, buy more. लाइफ है, कोई रवि शास्त्री की कमेंट्री नहीं, बदल जाएगी। आई एम बे, आई एम हियर टू स्ले, सीज द डे। मजबूरियों से मैं गुजर रही हूँ भैया। आपकी मजबूरी जहाँ शुरू होती है वहां तक पहुँचना ही तो हमारा सपना है। यार मुझे तो वैसे जो है ना स्टार्टिंग में देखने लगा था कि है तो वैसे सारा ग्लैमर ही बीच में आपको नजर आ रहा है, लेकिन जो एक स्टोरी का ट्विस्ट जो बीच में देखने को मिला ना, मुझे वो ट्विस्ट लग नहीं था आगे इस तरह का ट्विस्ट आएगा। लेकिन मैं ये बोलूंगी अनन्या पांडे बहुत अच्छी लग रही है, मतलब इस करेक्टर में वो वाकई उनकी पर्सनैलिटी को सूट कर रहा है जो एक करेक्टर उनको मिला है। आई थिंक अगर हम लोग बात करें तो जैसे कभी खुशी कभी गम में हम लोगों ने देखा था, मैं भी लिटरली यही कहने लगा था कि आपको ऐसी वाइब जो है ना वो एक करीना कपूर वाली वाइब जो है वो आ रही थी। मतलब मैं ये बोलूंगी करीना कपूर तो मतलब कम्प्लीटली डिफरेंट उनका एक ऑरा है ना, लाइक इस चीज में मतलब बड़ी वो एक खूबसूरत लगती है, लेकिन अनन्या पांडे भी बहुत अच्छी लग रही है इसमें। लाइक बीच में मतलब आपको ये वेब सीरीज में जो आपने ट्रेलर देखा ना, मसाला नजर आ रहा था, जो ग्लैमर आपको करण जौहर की मूवीज में नजर आता है, और वो एक एक्स्ट्रा आप कह लो के ग्लिटर सी यू नो ग्लिटरी लाइफ जो नजर आती है वो आपको सब कुछ इसमें नजर आता है। एक्स्ट्रा रिच लोग जो हैं
उनको दिखाया गया है, और जो ट्विस्ट आता है मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तो वही है। यार देखे स्टोरी बनती ही वहीं से जहाँ पे ट्विस्ट आता है, क्योंकि उससे पहले जो एक तरह की वो एक लेविश लाइफ जो है वो गुजार रही थी, जिसमें जो है सिर्फ पैसा ही पैसा था। वैसे बोले तो बाद वाली भी लेविश ही लग रही है। नहीं, वो फिर वो जो सिक्योरिटी गार्ड था उन्होंने फिर एंड पे कह भी तो दिया था कि जहाँ पे आपकी मजबूरी जो है वो शुरू खत्म होती है वही तक पहुंचना तो हमारा सपना है। तो इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे लोगों का सपना है उस मजबूरी तक पहुंचने का, लेकिन पहुंच नहीं पाते। लेकिन हाँ भाई, आपको जो है ना वो उनकी एक पहले वाली लाइफ जो है वो अच्छी खासी अमीरों वाली नजर आती है, लेकिन बाद में जब उनके सारे कार्ड डिक्लाइन होकर एक मिडिल क्लास की लाइफ अगर बात करें तो वो भी जो है ना एक एलीट वाली आपको वहाँ पे वाइब जो है वो आ रही है। जैसे लोगों को तो एलीट ही लग रही। सही बात है, लोअर एलीट होगी। लेकिन अब कहने की बात ये कि भाई वेब सीरीज में कि ट्विस्ट कैसे, मतलब उनके क्यों सारे कार्ड्स जो हैं वो इस तरह से, अगर ये आपको जो है ट्रेलर में ही बता देते तो आप फिर वेब सीरीज जो है वो क्यों देखेंगे। हाँ, सही बात है, आप बोल दी थी आज मैंने बोल दिया, ये पुरानी लाइन होगी, कुछ नया बोलो, कुछ नया ट्राई करो। मैं भी हो सकता है घर वालों से कोई फड्डा हो गया हो, लड़ झगड़ के निकल गई हो बाहर, सिर्फ तब तक ही नजर आ रही है जब तक वो एक आपको बेबी कार्ट में एक बेबी नजर आती है, आई थिंक अनन्या ही होती है वो, और वो बस मुझे वहां पर ही वो नजर आती है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वीरदास के साथ उनका काफी ज्यादा टकराव होगा। मुझे लगता है कि वीरदास जो है उन्हें पसंद जो है वो करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ट्रेलर के एंड तक आते आते जो है ना दोबारा एक चीज आपको फील हो रही है कि वो उस चीज जो पहले वो लाइव गुजार रही थी कहीं ना कहीं वो उस लाइव के आसपास दोबारा जो है वो पहुंच गई हुई है। अच्छा, मुझे जरा थोड़ा बहुत लगा, क्योंकि एक कॉस्ट्यूम उन्होंने इस तरह का पहना हुआ था कि उससे मुझे जो फील आया। लेकिन हाँ भाई, सोशल मीडिया जर्नलिस्ट हैं तो जो कि आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है। तो मुझे ये चीज अच्छी लगी है जो टर्म बीच में यूज की गई ना, सोशल मीडिया जर्नलिस्ट, क्योंकि आजकल हर कोई जर्नलिस्ट है, तो इस वजह से तो वो मुझे लग रहा है कि काफी ग्लैमर वाली है, बहुत सारे लोग इसको इंजॉय भी करेंगे। और मतलब जो जॉनरे है कॉमेडी आपको नजर आ रही है, ड्रामा नजर आ रहा है, ग्लैमर नजर आ रहा है, बट मुझे लग रहा है कि एंटरटेनिंग होगी काफी ज्यादा। वैसे इस ट्रेलर को देखकर जो है ना एक टच जो है ना आपको, जैसे आप जो इंग्लिश वेब सीरीज जो है या आप जो है वो मूवीज देखते हैं, थोड़ा बहुत टच जो है ना आपको वैसा भी जो है ना बीच में जो है वो आया है। फर्स्ट फ्रेम से लेकर म्यूजिक मुझे बहुत ज्यादा वैसा लगा, हालांकि रैपिंग बीच में यूज की गई थी, लेकिन जहां पर अनन्या के शॉर्ट्स से वहां पर म्यूजिक जिस तरीके से आता, जैसे कैमरा का यूज किया गया, वो आपको वाकई में हॉलीवुड टच जो है वो फील होता है उसमें, कि उस काइंड ऑफ हॉलीवुड जो है। एनीवे गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आप जरूर बताइए कि आपको अनन्या इस रोल में कैसी लग रही है, क्योंकि अगर हम लोग पोस्टर की भी बात करें तो पोस्टर भी आपको काफी, आप कह लो कि फिर वही एक टच नजर आ रहा है, देसी टाइप का पोस्टर आपको नजर नहीं आ रहा, तो उसमें भी आपको जैसे वो एक आई थिंक सूटकेस के ऊपर बैठी हुई है, जिस तरह का उनकी ड्रेसिंग स्टाइल है, और इनफैक्ट जिस तरीके से वो बोलती भी हैं, तो काफी चीजें आपको जो है वो नजर आती हैं कि लाइक वो काफी एक एलीट क्लास से बिलोंग कर रही हैं, और प्लस जो डायरेक्शन है वो हम लोगों को नजर आ रही है कि काफी ज्यादा मिलती जुलती है जैसे हम इंग्लिश मूवीज देखते हैं इस टाइप की। और आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और इसी के साथ मेरे चैनल करें।